हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। ये मेरे सीसीएनएस सीरीज का चैप्टर नंबर 1 का थर्ड वीडियो है, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं राउटर के बारे में कि राउटर क्या होता है, राउटर का यूज क्या है, ठीक है, ओएसआई के किस लेयर पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज राउटर के बारे में। सो चलिए फिर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज, वेलकम टू एवरीवन इन नेटवर्किंग टाइगर्स। सो ये चैप्टर नंबर 1 है, नेटवर्क फंडामेंटल। नेटवर्किंग टाइगर्स हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और हमारा नाम है पंकज तिवारी। सो ये जो राउटर जो है वो हमारा एक नेटवर्क डिवाइस है, इट इज ए नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिससे हमारा नेटवर्क एक क्रिएट हो सकता है, एक हमारा नेटवर्क क्रिएट हो सकता है, उन डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस। जैसे सिर्फ एक राउटर ही नहीं है हमारा नेटवर्क डिवाइस, और भी हमारे पास मल्टीपल डिवाइस हैं जो हम नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है, और भी हमारे पास मल्टीपल डिवाइस हैं जो हम नेटवर्क में यूज करते हैं, जैसे कि रिपीटर, ठीक है, रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू, चैनल सर्विस यूनिट, डेटा सर्विस यूनिट, रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू, हब, एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या कंट्रोलर, ब्रिज स्विच, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट। तो ये हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ये हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो हम नेटवर्क में यूज करते हैं, ठीक है। इसको तुम एक चीज और लिख सकते हो यहां पे, केबल, ये कंपोनेंट मान सकते हो, केबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस। इनको हम नेटवर्क में यूज करते हैं, केबल, रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू। सीएसयू स्टैंड फॉर चैनल सर्विस यूनिट, डीएसयू स्टैंड फॉर डेटा सर्विस यूनिट, हब, एनआईसी, एनआईसी स्टैंड फॉर होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क के टर्म में हम इसको एनआईसी बोलते हैं, बाकी नॉर्मल यूजर इसको इथरनेट कार्ड, इंटरनेट कार्ड या फिर नेटवर्क एडेप्टर, ठीक है, लैन कार्ड, मल्टीपल इसके नाम है, ठीक है, ब्रिज, स्विच, राउटर, फायरवॉल एंड एक्सेस पॉइंट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ नेटवर्किंग डिवाइस हैं जो हम नेटवर्क में यूज करते हैं। एक चीज और है, केबल से लेके हमारा हब तक, ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस होता है, केबल, रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू और हब, ये जो डिवाइस है ये टोटली मेरी हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस है। इट मींस इनमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, ना ये किसी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सी डेटा को तुम्हें फिल्टर कराना है तो ये डेटा को फिल्टर नहीं कर सकते हैं, लाइक ना मैक एड्रेस को रीड कर सकते हैं उस डेटा के, ना ही आईपी एड्रेस को रीड कर सकते हैं उस डेटा को। तो ये टोटली हार्डवेयर बेस्ड डिवाइस है, इसलिए ये जो है वो तुम्हारा लेयर 1 पे काम करता है, ओएसआई मॉडल के लेयर 1 पे काम करती है जितनी भी डिवाइस है, केबल, रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू और हब। ये हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करती है, ये हमारे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे वर्क करते हैं, बट इट मींस लेयर 1 पे काम करते हैं, ठीक है, ये हमारे ओसे मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। और अगर एनआईसी से एक्सेस पॉइंट तक की बात करें तो ये हमारी जो डिवाइस है वो क्या है,
हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस इनमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब है यहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि इनमें हार्डवेयर तो है ही है, प्लस उसमें ओएस भी होता है, ठीक है। इनके ओएस को बोलते हैं आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हार्डवेयर भी है इनमें, प्लस सॉफ्टवेयर भी है। अब हमारे पास कुछ नए सीसीएन में कुछ और भी डिवाइस हमारे पास ऐड हुई हैं। हमने डायरेक्ट राउटर के बारे में क्यों डिस्कस किया, क्योंकि अगर हम नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें हमारा केबल तो है, केबल आगे है, पहले रिपीटर नहीं है, मॉडम नहीं है, ये सारी कुछ डिवाइस हैं जो नहीं है। सबसे पहले हमें राउटर के बारे में डिस्कस करना है, फिर हमें फायरवॉल के बारे में डिस्कस करना है, और कुछ और भी डिवाइस हैं जो इन्होंने नई ऐड की हैं। देखो, देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस हमारे पास नई है। जैसे सबसे पहले राउटर के बारे में डिस्कस करना है, फिर लेयर टू लेयर थ्री स्विचेस के बारे में डिस्कस करना है, फिर नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एंड आईपीएस, फायरवॉल के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट है, कंट्रोलर है। देखो, ये हमारे पास नया डिवाइस है जो नए सिलेबस में ऐड है, कंट्रोलर, सिस्को डीएनए सेंटर एंड डब्ल्यूएलसी। डब्ल्यूएलसी मतलब होता है वायरलेस लैन कंट्रोलर, ये हम पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है इस चीज पे, ठीक है। एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स में हमारे वो डिवाइस आती हैं जैसे कि पीसी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, ये सारे हमारे एंड पॉइंट डिवाइस होते हैं। फिर सर्वर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो सीरीज मैं पूरी बना रहा हूँ वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ। बाकी रहा आपके ये जो जे डिवाइस रहती हैं जैसे कि रिपीटर, मॉडम, सीएसयू, डीएसयू, हब, इन सब के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वो हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, बाद में बना के अपलोड करेंगे। तो अभी जो हमें डिस्कस करना है वो सिर्फ राउटर पे, मतलब ये जो डिवाइस उन्होंने मेंशन कर रखी हैं, इन्हीं डिवाइस पे हम क्या करेंगे, काम करेंगे, मतलब इन्हीं डिवाइस को हम डिस्कस करेंगे इन्हीं डिवाइस पे। तो आते हैं राउटर पे। हाँ, तो राउटर हमारा क्या है, इट इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज वर्क ऑन लेयर थ्री ऑफ ओएसआई मॉडल। इट मींस नेटवर्क लेयर, ठीक है। राउटर क्या है, एक तुम्हारा नेटवर्क डिवाइस है, मतलब नेटवर्क डिवाइस है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि वर्क करता है लेयर थ्री पे, ओएसआई मॉडल के लेयर थ्री पे वर्क करता है तुम्हारा राउटर, ठीक है। ओएसआई की लेयर थ्री कौन सी है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क डोमेन, इट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क एंड रूट्स द आईपी पैकेट टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। और जो आईपी पैकेट हमारे पास आ रहा है उसको जो रूट प्रोवाइड करता है वो बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे पास राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो राउटर इज ए बैंड डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द राउटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास दो नेटवर्क हैं, अगर आईपी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज दैट हमारे पास एक नेटवर्क है 192.168.1.0/24, ठीक है। एक हमारे पास और भी नेटवर्क है, एक हमारे पास और भी नेटवर्क है 192.168.2.0/24। अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास इस नेटवर्क में कुछ पीसीज हैं, ठीक है, और 192.168.1.0 में भी हमारे पास कुछ पीसीज हैं। मान लो हमारे पास इसमें 5 PC हैं हमारे पास, और 192.168.2.0 यहां पे भी हमारे पास कुछ पीसी है, मान लो 10 PC है, जिनको मैंने इस नेटवर्क की आईपी क्या कर रखी है, असाइन कर रखी है, ठीक है, और 5 PC को हमने इस वाले नेटवर्क की आईपी असाइन कर रखी है। तो बाय डिफॉल्ट अगर तुम स्विच से उन पीसी को कनेक्ट करते हो तो स्विच के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करा सके। तो अगर तुम्हें इन 5 को इन 10 PC से कम्युनिकेट कराना है और इन 10 PC को इन 5 PC से कम्युनिकेट कराना है,
फिर हमें ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हैं, ये 1.0 पे है और ये 2.0 पे, ये दो 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 डिफरेंट नेटवर्क है हमारे पास। तो फिर अगर हमें इनको कम्युनिकेट कराना है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीच में? राउटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? राउटर की। ठीक है, हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा? राउटर, क्योंकि राउटर के पास ही वो कैपेबिलिटी है जो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को क्या करा सकता है? कनेक्ट करा सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ राउटर, विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, राउटर को हमेशा दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को अगर हमें कनेक्ट कराना है तो उस जगह पे हम राउटर ही यूज करते हैं। स्विच पे भी आएंगे हम, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्विच हमारे पास Layer 3 के भी आने लगे हैं मार्केट में, तो वो भी सेम ऐसे राउटर की तरह ही काम करते हैं, वो भी ये चीज करा सकते हैं। बट Layer 2 के स्विच के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करा सके, क्योंकि वो Layer 2 पे काम करता है और IP हमारा आता है Layer 3 पे। ठीक है, और Layer 3 पे हमारा कौन काम करता है? राउटर। ठीक है, तो इसलिए राउटर के पास वो कैपेबिलिटी होती है कि वो दो या दो से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करा सकता है। एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं ऐसे बताऊंगा ना, आपको ये 100% क्लियर हो जाएगा कि राउटर का काम क्या है। बस आपको करना है क्या है, मेरे वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना दबा के शेयर करो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, जिससे मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। ये जो ये मैं बना रहा हूं, ये राउटर का सिंबल होता है। देखो मैं बता दूं तुम्हें, ये हमारे पास राउटर का सिंबल है। एक्चुअल में राउटर हमारे पास जो दिखता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ये बैक पैनल है उसका, ये फ्रंट पैनल है उसका। बट जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर या किसी सॉफ्टवेयर में राउटर को यूज करते हैं तब हमारे पास ऐसा सिंबल आता है। ये सिंबल है, ठीक है, ये राउटर का क्या है? सिंबल है, तो इसको याद रखना, ये राउटर का सिंबल। सो ऐसे हमने ऐसे बना दिया गोल गोल से। सो अभी डिस्कस करते हैं, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। सो कैसे, जैसे ये हमारे पास इस टाइप में राउटर है, और राउटर से राउटर में क्या कर रखा है? आपस में कनेक्ट कर रखा है। इसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने राउटर के कर दिया, आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए। सो सपोज दैट दिस इज R1 और दिस इज R2 और दिस इज R3। दिस इज R4 एंड दिस इज R5। ठीक है, हमारे पास पांच राउटर हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। ये हमारा क्या है? सोर्स। ये हमारा सोर्स है जहां से हमें जाना है, और ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन, जहां तक हमें जाना है। ठीक है, जहां से ट्रैफिक हमारा जनरेट होगा, कहां से? सोर्स से। और डेस्टिनेशन क्या है? ये हमारा। ठीक है, तो अगर पैकेट हमारे पास कोई भी, अगर पैकेट मान लो यहां से कोई भी आ रहा है इस राउटर पे, अब ये राउटर के पास यहां तक जाने के लिए दो पाथ हैं, वाया R2 भी जा सकता है वो, और वाया R3 भी जा सकता है। अब इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराना कि वो R5 तक कैसे पहुंच पाए। R5 तक जाने के लिए उसके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? वाया R2 या वाया R3? तो ये कौन प्रोवाइड कराएगा उस पैकेट को, या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पैकेट को बेस्ट पाथ तुम्हें प्रोवाइड कराना है। तो सपोज दैट, देखो यहां से अगर वो जा रहा है तो उसे कितने रेड लाइट पड़ेगी? मान लो रेड लाइट है ये, तो दो। और यहां से अगर वो जाता है तो उसे कितनी रेड लाइट पड़ेगी? एक। तो बेस्ट कौन सा हुआ हमारे लिए? ये वाला पाथ। ठीक है,
तो उस पैकेट को कौन बताएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा है? राउटर बताएगा। और आगे कौन फॉरवर्ड करेगा? राउटर फॉरवर्ड करेगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अ बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, अब ये देखो प्रोवाइड कैसे कराता है, राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होती है। अगर देखो जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं, अगर ये चीज नहीं भी समझ में आती है तो घबराना मत, क्योंकि आगे जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। हम कई बार इन चीजों पर डिस्कस करेंगे कि राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या यूज है इनका। ठीक है, बट अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कि राउटर कैसे प्रोवाइड कराता है किसी भी पैकेट को बेस्ट पाथ। राउटर के पास एक होती है राउटिंग टेबल। ठीक है, राउटर के पास एक होती है राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होते हैं? बेस्ट पाथ टू रीच द एनी डेस्टिनेशन। देखो राउटिंग टेबल में उसके पास एंट्री होगी, अगर तुम्हें R5 तक जाना है तो R2 उसके लिए बेस्ट है। ये कहां पे एंट्री होगी? उसके राउटिंग टेबल में। पैकेट आया इस राउटर के पास, राउटर ने देखा तुम्हें जाना कहां पे है, अच्छा R5 पे जाना है। तो उसने डेस्टिनेशन चेक किया, फिर उसने अपनी राउटिंग टेबल चेक किया कि R5 तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा है हमारे लिए, और राउटिंग टेबल में पहले से एंट्री हो रखी थी अगर तुम्हें R5 पे जाना है तो R5 तक जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो बाया R2 है। तो यहां से पैकेट क्या कर देगा, इस पोर्ट से क्या कर देगा, वो यहां से पैकेट अपना आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो राउटर ऐसे डिसीजन लेता है कि हमारे लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा। अब ये राउटिंग टेबल कैसे क्रिएट होती है? राउटिंग टेबल में हमारे पास क्या होती है? बेस्ट पाथ की एंट्री होती है। अब ये राउटिंग टेबल बनती कैसे? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि रेप, EIGRP, OSPF, PGP, स्टैटिक राउटिंग भी ले सकते हो, डिफॉल्ट राउटिंग भी ले सकते हो। तो ये हमारा होगा विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग टेबल कैसे क्रिएट होती है? विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा को लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? राउटेड प्रोटोकॉल की। राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं हमारे पास, जैसे IP है, IPX है, Apple Talk है। सो दीज आर द राउटेड प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल दैट हाउ डेटा शुड बी ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू एनी डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने ओवरव्यू दिया है छोटा सा कि राउटिंग टेबल, राउटिंग प्रोटोकॉल और राउटेड प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आया तो बेस्ट है, अच्छा है, नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आगे इन सब चीजों पे डिस्कस करूंगा और विद थ्योरी के साथ, जैसे कि अभी हम लास्ट वीडियो में जितने भी हमने टॉपिक कवर किए हैं सबकी मैंने थ्योरी लिखाई है, आप नोट कर सकते हो थ्योरी को और इस थ्योरी को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये था हमारा राउटर के बारे में, राउटर का क्या यूज है और किस लेयर पे काम करता है उसे मॉडल के। ठीक है, दिस इज अबाउट राउटर। अब जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे Layer 2, Layer 3 स्विच के बारे में। सो, अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।